भगत सिंह बिना बताए अपने घर को रवाना हो गया। उसने किसी को इल्तिजा करने की ज़रूरत नहीं समझी। अपने जानने वालों को उसने अपने आगे की जाने की तारीख बताई थी। वो पहले ही दिन सुबह सुबह, जब सब नींद के आगोश में करवटें बदल रहे थे, अपना बोरिया बिस्तर चुपके से समेट कर दबे पांव फरार हो गया। उसने ऐसा क्यों किया, इसका किसी भी व्यक्ति को कोई अंदाज़ा नहीं। उसे अपना ऐसा करने पे जरूर ही गुरूर होता होगा, इस बात का उत्साह भी होगा कि वो आम रीतियों को कुचल के आगे बढ़ने में एक बार फिर विजय पताका लहरा पाया। रास्ते में कहीं अपने ख्यालों में गोते खाते हुए क्रांति की गूंज के संग वो उसी पताके को शान से अपने हाथ में लहराता हुआ आगे बढ़ रहा होगा। उसके चेहरे में हंसी जरूर होगी। हर एक कदम से उसके इरादों की ईंटें और मजबूत होती जाती होंगी। लहराते पताके में उसे अपना कफन देखना अपना हक समझ लिया है। वो जिद्दी नहीं है, लेकिन उसके अंदर का बवंडर उसे बहाए जाता आया है। अगर उसे मनमौजी कहा तो अधिक है, अगर मस्तमौला कहा तो जाती है, अगर दीर्घायु कहा तो गुनाह है। उसे खुश मिजाज कहना कठिन है, उसे पागल कहा जा सकता है शायद। उसके साथ जो भी किताबें थीं उसकी हमराही, जिन्हें वे जान से अधिक चाहता था, उन्हें वे सीने से लगाए साथ ले गया। वो उन किताबों में लिखे हर एक लफ्ज़ों को गुनगुनाता आया है। उसकी रात और सुबह किताबों के पन्नों में गुफ्तगू करते हुए ही बीत जाती है। उसकी आँखों की चमक औरों से हटकर कुछ और ही बयां करती रहती हैं। उसकी बातों में हमेशा रोंगटे खड़े करने की आग खोलती रहती है। आज उसके कमरे की पलकें भीगी हुई हैं, उसके बिस्तर की नींद उड़ी हुई है, उसके कमरे की खिड़की बेचैन बिना हवा के खटखटा रही है, दीवारों का रंग उड़ा हुआ है, उसके हंसी के ठहाकों की खुशबू अभी भी कमरे में महक रही है, उसका गायब जोश और बुलंद इरादे सारी इमारत में जहां वो रहता था एक गहरा सन्नाटा किए हुए है। कुछ दिनों तक चीज़ें ऐसे ही सकपकाई हुई रहेंगी, कुछ दिनों तक लोग उसकी राह अपने दरवाजों पर महसूस करेंगे, कुछ दिनों तक शामें मुस्कुराने से कतराती रहेंगी, कुछ दिनों तक तारे अपनी चमक को छुपाते फिरेंगे, कुछ दिनों तक।